भगवान किस कसूर का दी है मुझे सजा, अगर यही है जिंदगी तो फिर जिंदगी है क्या। दोस्तों मैं आज बताता हूँ, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। दोस्तों कहीं ना कहीं हम कसूर किसको कहें। जिंदगी में आदमी जैसे ही पैदा होता है कौन सा कसूर कर देता है कितनी बड़ी सजा मिलने लगती है। भैया मैं बता दूं, मैं हूँ गोरखपुर में और गोरखपुर का एक जंक्शन है और जंक्शन में ऐसे ही चलते चलते आप देख सकते हैं तरह तरह की ट्रेनें हैं, ट्रेनें खड़ी थी और मिल गई हैं एक ऐसी, आप वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि भैया आप भी देखेंगे ना थोड़ा सा भी, अब अगर आपके अंदर इंसानियत होगी ना तो रूह कांप जाएगी। समझ लीजिए कि एक ऐसी महिला मिल गई है, चलिए पुरुष तो चल जाता है लेकिन महिला अगर मिल जाए तो हम क्या करेंगे। हम बात करते हैं एक ऐसी दिव्यांग महिला की जो दोनों पैर से दिव्यांग है, घसीट कर चलती है और कैसे जीवन यापन करती हैं। आज मैं उनसे बात करता हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ से घसीट कर चल कर आई हैं। और क्या नाम पड़ेगा आपका? साहिबा खातून। साहिबा खातून, साहिबा खातून जी कहाँ से हैं? जिला कुशीनगर से। कुशीनगर से हैं साहिबा खातून, है जिला कुशीनगर से हैं। इस समय गोरखपुर के जंक्शन पे बैठी हैं। गोरखपुर जंक्शन पे आने का क्या मतलब है? ये मेरे बच्चे को इलाज कराने आए। क्या हो गया आपके बच्चे को? निमोनिया था तो दोबारा दिखाने आए हैं। अब भैया आपने बहुतों लोगों की सहायता की है और मैं चाहूँगा कि इस बच्चे को नमूनिया हो गया। आप देख सकते हैं ये है इनकी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची है और इस बच्ची को हो गया है नमूनिया। नमूनिया आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पंगा कर देता है तो है। और इनकी स्थिति और कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत काफ़ी कंडीशन ख़राब है। क्या क्या मतलब अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। अपने बारे में क्या, गरीब है। घर पे कौन कौन है? मेरी माँ है, पांच बहनें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप नहीं है, दो महीना हो गया इंतकाल हो गए। क्या दो महीने इंतकाल हो गया? हाँ, देख लीजिए भैया भगवान ने क्या गजब खेल खेला है कि बाप को भी इनके साया हटा दिया, सर से साया हटा दिया, बाप को भी इन्होंने भगवान ने छीन लिया। तो इस समय कौन कौन है आपके घर में? मेरी माँ है, पांच बहने हैं। अच्छा अच्छा। और भाई नहीं है, ये मेरे आदमी है और मेरी बच्ची है। मैं इनके आदमी से भी आपको बात कराऊंगा कि पीछे सहारा कोई नहीं। अच्छा, सरकारी सुविधा कुछ मिलता है कि नहीं? मिलता है पेंशन, दो महीना में 500। घर और मिला है कि नहीं आपको? नहीं अभी नहीं। दो महीने में 500 मिलता है? हाँ। अरे वो एक महीने में 500 मिलता है? नहीं देता है। अच्छा हाँ। दो महीने में 500 देता है? अपने मायके रहते हैं, ससुराल नहीं रहते। अच्छा, मायके में ही रहती हैं, मायके में जीवन यापन करती हैं। तो कष्ट तो बहुत काफी होता होगा आपको? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कोई अब तक हेल्प किया कि नहीं आपको? नहीं। भैया देख लीजिए, आप कहते हैं ना कि जितेंद्र है सब कहाँ से दिखा देते हो। भैया मैं यही करता हूँ कि ऐसे लोगों का हेल्प कर देता हूँ, आज फिर मैं हेल्प करूँगा। और शर्म मानी चाहिए जो खड़े होकर तमाशा देखते हैं और वीडियो देखते हैं कि मतलब ये चीज़ है। आप आगे तो आएंगे नहीं, सरकार आगे आ नहीं सकती, थोड़ा सा भी आपके अंदर इंसानियत है तो कम से कम इनके बारे में सोचिए कि इनकी अवस्था क्या है और कैसे जीवन यापन करती होंगी। वही समझ सकता है जो एक थोड़ा सा इंसानियत होगी, कैसे चल लेती हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप चल के दिखाएंगे, देख रहे हैं स्थिति कंडीशन इनका क्या है। हमको देखो क्या है, कौन बताएगा। देख लीजिए चल भी नहीं पाती हैं ढंग से, ऐसे चलती हैं। और क्या बताएं, बहुत बदकिस्मती है कि आज हमारी मुलाकात इनसे गोरखपुर में हो जाती है। और गोरखपुर में यूँ स्थिति है कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ के गोरखपुर के ही बताते हैं लोग कि सांसद रहे और मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी जी हैं और गोरखपुर में यह स्थिति है। अगर मैं कहूँगा तो उनको भी लगेगा कि जितेंद्र ये सब क्या कह रहा है। योगी महाराज जी शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। आप कहते हैं कि भारत में नंबर वन मेरा उत्तर प्रदेश बन गया, कहाँ बन गया है। अब ऐसे लोग को अगर पेंशन सही से नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगा तो आपकी सरकार क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे सरकार में, हमारे प्रदेश में सभी लोग खुशहाल हैं। अब इनसे कौन बड़ी किए जा रहे हैं लोग? अच्छा, सब
मौका ले कुछ नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, इतना हम डीएम के पास कहाँ कहाँ नहीं गए, तहसील पे गए, फिर भी मेरा कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो हम कुछ भी क्या नहीं करें। नहीं, सरकार को क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मतलब है? सरकार से मेरे को हेल्प करे और क्या बता सकते हैं, वही ना जो। कितना उम्र हो गया आपका, कितना उम्र? मेरा होगा 25-30 साल 24-25। भैया ये हो गई है 25-24 की हालत इनका आप देख रहे हैं, और मैं आपको मिलाता हूँ इनके पति से। तो शादी किए तो कैसा, मतलब कब का शादी हुआ? 10 साल शादी हो गया, 10 साल बच्चे हो गए। बचपन से दिव्यांग है या फिर बाद में हो गई? बचपन से। अच्छा, बचपन से। 160 डिग्री में झोला छाप डॉक्टर सुई दे दिया। अच्छा। एक बैग पोलियो मार दिया। 1995 में जैसे मेरा जन्म हुआ। अच्छा, तो मतलब पोलियो की वजह से आप ग्रसित हो गई और दिव्यांग बन गई। जी, पहले से आप दिव्यांग, पैदा तो दिव्यांग नहीं हुआ। नहीं, नहीं, नहीं। डॉक्टर की वजह से भैया ये दिव्यांग बन गए। झोला साहब डॉक्टर बैठते हैं गांव में और समझ नहीं पाते हैं, आप देख लीजिए किसी की जिंदगी खराब करते हैं। क्यों? वो मेरी अबू बम्बई रहते थे, मेरी माँ घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब मेरे दादी पिताओ थे ना, वही बुलाकर झोला छाप डॉक्टर को सुई लगवा दी। एक बैग बुखार हुआ, एक बैग पोलियो मार दिया। सुई इंजेक्शन देने के तुरंत एक बैग, उसके बाद आप दिव्यांग हो गए। जी, भैया देख रहे हैं, आगे पीछे कोई नहीं था वो उस टाइम पे भी। उस टाइम भी बाहर थे। अच्छा, बम्बई। और इस टाइम भी कोई नहीं है? इस टाइम भी अबू नहीं है तो सब कोई नहीं है। देख लीजिए भैया, खाली माँ है ना, माँ है, कमाने। माँ क्या करती है? माँ क्या करती है? माँ क्या, अबू थे तो चूड़ी उड़ी बेचती थी। अब तो क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो गया होगा। मुश्किल हो गया, क्या करें। दो बहनें भी हैं आपकी? नहीं, 5 बहनें। 5 बहनें, सबकी शादी हो गई है? नहीं, सबसे बड़ी आप हैं। हाँ। जिम्मेदारी तो आपको ही निभाना पड़ेगा। भैया इनकी छोटी सी बिटिया हैं और ये 5 बहन हैं, समझ लीजिए कि 5 बहन में से सबका जिम्मेदार यही बाप का साया उठ गया। और कौन कौन है? बाप रहते तो कोई टेंशन नहीं रहता मेरे को। जी, कोई नहीं बता तो रहे हैं, मेरी 5 बहनें हैं, माँ है, हम लोग 3 हैं बस, और कोई आगे पीछे नहीं है, ना तो रिश्तेदार कितना साथ देंगे। सही बात, बोले नहीं साथ देते हैं सर। चलिए भैया, रहा मैं आज इनके साथ एक दिव्यांग महिला के साथ, और क्या बताऊं, यही बहुत दुर्भाग्य व्यवस्था है। मैं चाहूँगा कि आप लोग हेल्प करें इनका। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कॉन्टेक्ट नंबर डालूँगा और इनसे मैं आप लोग बात भी कर सकते हैं, और अकाउंट नंबर भी डालूंगा कि आप लोग हेल्प भी कर सके। अब मैं मिलाता हूँ उस शख्स से जो ऐसे दिव्यांग होते हुए भी कभी नहीं कहा कि ये दिव्यांग है, मैं उनसे शादी करूँगा। अब कहानी भैया शादी पे आ जाती है। कोई नहीं चाहता है कि मेरी पत्नी दिव्यांग हो, सभी लोग चाहते हैं कि मेरी पत्नी ऐश्वर्या राय जैसी हो। कोई नहीं चाहता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब मैं मिलाता हूँ भैया ऐसे शख्स से और इनको सलाम करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ कि भैया ये परिपूर्ण है। और क्या होता है कि ऐसे मतलब इस तरह का सोच रहे हैं। ये हैं इनके पति, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम साहिद पड़ेगा। ये हैं साहिद जी। साहिद जी, कब की शादी हुई है आपकी? मेरा हो गया 10 साल शादी का, एक बच्चा मेरा इंतकाल हो गया है, बेटा। अच्छा, और एक मेरी ये बेटी है। शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि आप ऐसे शादी करने जा रहे हो, ऐसे लड़की से शादी कर रहे हो? मैं पेंट का काम करता हूँ। अच्छा। मैं प्रधान के यहाँ काम करने आया था। हाँ। ठीक है। इसके पिताजी थे जब, तो बात दूसरी थी जी। और फिर ये 5 बहनें हैं। अच्छा, जिनमें से ये बड़ी का, जैसे देहात में जो है ना जी, लोग कहते हैं कि पहले बड़ा का शादी हो जाएगा तब छोटे का होगा। जी, जी, जी। इसके शादी के लिए इसके पिताजी बहुत दौड़ते थे। अरे, पर कोई 1 लाख मांगता था, कोई 4 लाख मांगता। ये बताइए, इंसान एक दौरा होता है ना, दौरा। जी, जी। एक दौरा पे चूरी बिसरता रख ले या देहात में घूमे तो वो 5 लाख रुपया दे सकता है? नहीं दे सकता है। 2 लाख दे सकता है? नहीं दे सकता है। ठीक है, बिन दहेज का शादी कौन करेगा इस दिव्यांग से, समझे? तो मैं अपने माँ से बात किया था। माँ से बात किया, माँ बोला ये हम जात के सैयद है, मुसलमान में सैयद है।
और सैयद वो होता है, अच्छा सैयद होगा ना, ना दहेज लेता है ना दहेज देता है, ठीक है। तो माँ से बोले ऐसी से बात है, मेरी माँ बोली कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा इच्छा है तो कर ले, ठीक है। तो हम बोले कि इच्छा की बात नहीं है, एक मान लो कि मजबूर लड़की को उठा लेते हैं तो उसमें मेरा क्या जाता है, मेरे तो सर पर बैठ के रहेगी नहीं। आप इनको देख सकते हैं पूरा परिपूर्ण है, कहीं से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसे महान कार्य को अपने हाथ में लिया और किए भी, और 7 जन्म तक इनका साथ निभाएंगे, इन्होंने कसमें खाई है क्या भैया। 10 साल अगर हमको अगर यही करना था जी तो मैं इससे शादी क्यों करता। अरे मेरे नाम देखिए, मेरा 2 भाई हैं, दोनों भाई बम्बई में डॉक्टर हैं, ठीक है, गुवंडी में रहते हैं संजय नगर में, गली नंबर 4 में जी, जी 40 नंबर, ठीक है जी जी। मुझे ना पैसा की कमी है जी, मेरे सिर्फ तो मेरे माँ बाप इसको नहीं अपनाते हैं, ये विकलांग है, इसी से मना करते हैं घर पे मत लाओ, आ तुम आ, अब मैं आता हूँ तो घर पे जाएंगे तो आपके घर वालों को तौहीन होगा, कुछ भी समझ लीजिए, मना मना करते हैं आज क्यों, ये इंसान नहीं है, वो भी तो इंसान है, तो मेरे घर वाले लोग, मेरा तो घर नहीं है, आ नहीं मैं उस घर में ये आपको क्या बेदखल कर दिए वो लोग अपने परिवार से, आप नहीं बेदखल कर दिए, नहीं इसको नहीं आने देते तो इसको, इसीलिए मैं घर पर नहीं रहता हूँ, मैं इसके साथ रहता हूँ। चलिए भैया देख रहे हैं आपको, मैं जो बात है मेरा ना इसकी बात है, तो ये अभी बिल्कुल समझ लीजिए कि एक बहन का शादी है इसको 4 अक्टूबर को, ठीक है। तो कुछ इसके पिताजी थे तो एक मान लो कि ट्रंक और हावी जावी डगरा वगैरह खरीद के रखे हुए थे अपना कमीने से, ठीक है। अब जो है उतना में तो शादी होगा नहीं जी, द्वार में मान लो 100-150 लोग भी आएंगे, उसका पैसा खर्चा, ठीक है। मैं 10 साल में कभी इसको यानी कि अच्छा आप कभी दुख आपको नहीं लगता कि मतलब मेरी पत्नी दिव्यांग है, ये सब नहीं लगता कभी दिमाग में, नहीं कोई कहता नहीं है कुछ, लोग को कहने से क्या होता है, लोग तो चराते बहुत है, 10 साल से चराते हैं, मैं कान से सुनता हूँ, ये कान में रखता हूँ, अच्छा ठीक है, हाँ मेरी आदत हो गया सुनने का रखने का, ठीक है। नई बात है, हम इतने ही जानता हूँ कि भगवान ने मुझे इसको दे दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, मर के तो भगवान के ही पास जाना है, इंसान के पास तो रहना नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ने से हमको क्या फायदा, जब बीवी हो गई है तो बीवी का मतलब है, जब बीवी बना लियो तो 7 जन्म उसको, यानी कि उसको जब तक जिंदा है तब तक उसको निभाते। चलिए भैया आपको मैं क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं है इस टाइम, इसको हम 2 पैसा इसीलिए मेरा काम मिल नहीं रहा है, बरसात में मैं पेंट का काम करता हूँ, तो इसके बहन का शादी 1 ही महीना है, सितंबर के बाद 4 अक्टूबर को शादी है, अभी इसको 30-40 हज़ार रुपये की ज़रूरत है इस टाइम, जो इसके पास नहीं है। इस ये बहन का शादी हो जाएगा ना, इसके बाद 2 बहन इसकी शादी के बचेंगी, ठीक है। कमाने वाला कोई नहीं है, एक समझ लिए कि ये एक मैं, ठीक है। अगर मैं मेरा काम मिल जाएगा तो बरसात बाद ही मिलेगा, उससे पहले मेरा काम मिलेगा नहीं फिर ये कहीं नहीं जाएगी। अगर मेरा काम नहीं मिल रहा तो ये पैसा व्यवस्था कर रही है, क्योंकि मेरा काम अक्टूबर के बाद ही मिलेगा। तो आप इनके घर रहते हैं? हाँ मैं इनके घर रहता हूँ, इस समय गोरखपुर आए हैं दवा के लिए, दवा के लिए भी आया हूँ और पैसा का व्यवस्था करने के लिए आया हूँ। 4 अक्टूबर को इसके बहन का शादी है। तो अकाउंट नंबर है आपका, अकाउंट नंबर है कोई? अकाउंट भैया मैं इनका अकाउंट नंबर लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, और आप लोग मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों की सहायता करिए, आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जितेंद्र कभी अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं, आप लोग देखते हैं हमेशा मैं सहायता करता हूँ, किसी ना किसी रूप में जाके सहायता करता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक लड़की की इज्जत का बात है जी, शादी नज़दीक आ गया है, ठीक है जी। मैं इसको सर 2 पैसा व्यवस्था करवाता हूँ, करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा हमने कभी करवाया नहीं था इससे पूछ सकते हैं जी, पहली बार करवा रहा हूँ इसको जी, क्योंकि अगर मान लो कि गांव वाले या समाज वाले लड़की का इज्जत ज़्यादा उछालेंगे, अच्छा घर की इज्जत जाएगी तो लड़की की भी इज्जत जाएगी। शादी के बाद है पैसा में 30,000 या 40,000 रुपये खर्चा है, वो किसी तरह हम लोग चोरी करते नहीं हैं, किसी से छीना छीनी करते नहीं हैं, हाँ। और ये खाने पीने के लिए
नहीं, हम लोग इससे मंगवा रहे हैं, इसके बहन का शादी के लिए मंगवा रहे हैं। बहुत लोग से मदद मांगा गांव में, कहीं भी कोई मदद नहीं किया हम लोग को शादी के लिए, समझे, मजबूरन इससे ठीक यानी कि मंगवा रहे हैं। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप मतलब इस तरह का कुछ सहारा दे सकते, एकदम देंगे एकदम देंगे एकदम तो देंगे, दे सकते हैं या दिवा सकते हैं तो एकदम दिलाएंगे एकदम दिलाएंगे। एक महीना टाइम है, आप मेरा पता लिख लीजिए। पता मैं लिख लेता हूँ, नंबर लिख लेता हूँ, सब कुछ रहेगा आपका, ठीक है, मैं लिख के लोगों को बीच में डालूंगा। भैया लड़की का जो हकीकत है मैं आपको बता दिया हूँ, कभी आके देख भी लीजिए। चलिए भैया मैं ज्यादा तो नहीं, अभी फिलहाल में कुछ के लिए पैसा मांगेगी ना तो किसी से भी एक रुपया नहीं निकलेगा, एक रुपया देगा दो रुपया देगा, अगर किसी लड़की ठुमका लगा दी ना उसको हजार बाजार। चलिए भैया मैं आज इनका हेल्प करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हेल्प करें। वो दो बेटा पैसा दो, तो आज मैं कुछ हेल्प करता हूँ इनके शादी में भी और कोशिश करूँगा कि मतलब इनका हेल्प हो, ज़्यादा तो नहीं है जो भी आप कबूल करें, ठीक है ना। अब मैं आपका अकाउंट नंबर लूँगा और जो भी होगा जैसे होगा हेल्प करने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना, अकाउंट नंबर लेके और लोगों से मैं करवाऊंगा भी। और क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे बताइए, क्या कहना चाहते हैं? यही मेरी बहन का शादी, और क्या कहना हम चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपकी बहन का शादी हो जाएगा ठीक है ना, बस। चलिए भैया आज देखा आपने मैंने कुछ हेल्प किया और आपको भी हेल्प करना है जैसे भी है। आज रहा मैं इनके साथ एक दिव्यांग महिला के साथ और उसी के लिए हम आए, आपकी बहन का शादी होगा जैसे पैसा की व्यवस्था में आए हैं। सिकंदराबाद गए थे तो 10,000 रुपया लेकर आए थे हम और बर्तन हड़िया सब खरीद दिए हैं। अच्छा, अब है 3-4 सेट और सामान है वो खरीदना है, तो मेरे पास पैसा जब व्यवस्था करेंगे तभी तो होगा, तो एक महीना में इतना जल्दी नहीं हो पाएगा 5-6,000 रुपया हो जाएगा बस। सही बात है, सही अगर बात। जो मेहनत करेंगे तब, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नहीं नहीं होगा, आपका होगा, आपके बहन का शादी भी होगा और आपके घर में सहनाइयाँ भी बजेगी और आप लोग खुशियाँ मनाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।